बच्चों को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, टीचर्स को सुधारना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ईश्वर ने कुछ गलती की है जिसे आप ठीक कर देना चाहते हैं। अगर आज के बच्चे आपके जैसे नहीं बनेंगे, इसका मतलब दुनिया बदल जाएगी। ये बहुत बढ़िया होगा। नहीं नहीं, पर आपसे ये किसने कहा कि वो सजा देने से बदल सकते हैं? आपको बच्चों का ज्यादा अनुभव नहीं है, तो सबसे पहले आप बच्चों के बारे में ये समझिए कि उनमें कोई गड़बड़ नहीं है। शायद आप थोड़े उलझे हुए हैं। उनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जीवन ऐसा ही है। आपने समाज में फिट होने के लिए खुद को तोड़ मरोड़ रखा है। उसने खुद को नहीं मरोड़ा है, वो वैसा ही है जैसा जीवन को होना चाहिए। आपको ये पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप समझें, अगर आपको अपना ये छोटा रूप पसंद नहीं है तो दुनिया आपका ये बड़ा रूप कैसे झेलती होगी? बस आपको उन्हें शिक्षा देने की जरूरत है, पर सुधारने के लिए नहीं। शिक्षा सुधार का केंद्र नहीं है। शिक्षा बस वो बकवास है जो इस दुनिया में जीने के लिए जरूरी है। हाँ, अगर आप उसे जंगल में छोड़ दें तब भी वो जीना सीख जाएगा, पर हमने इतने जंगल भी नहीं छोड़े हैं। उसे एक भयानक शहर में रहना पड़ता है, तो हमें उसे तरीके सिखाने होंगे। अगर सभी प्रकृति में रहते तो उसे ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ही सीख जाता है, कि नहीं? अब आप चाहते हैं कि वो उन असहज हालातों में रहें जिनको आपने एक वयस्क ने बनाया है, तो हमें बच्चों को थोड़ा बिगाड़ना होगा। इसे जितना कम हो सके, जितना नरमी से हो सके करें, और कोई तरीका ही नहीं। हमें उन्हें स्कूल में और कॉलेजों में फिट करना होगा, हमें उन्हें कॉरपोरेट जगत में फिट करना होगा। वो एक अलग ही दुनिया है, मैं बता रहा हूं, ये दुनिया नहीं, एक अलग ही दुनिया। तो क्योंकि हमें उन्हें एक अलग ही दुनिया में फिट करना है, इस दुनिया में नहीं, तभी एक समस्या है। वे इस दुनिया के हैं, आप बाहर से आए हैं, या कम से कम आपकी हरकतें वैसी हैं, तभी इतनी परेशानी है। अगर आप ये समझ जाएं कि आप खुद बच्चों से कितना कुछ सीख सकते हैं, न कि बच्चे आपसे सीखें, आप एक बच्चे को सिखा क्या सकते हैं, बताइए, जीवन के बारे में? आप उन्हें किताबों से कुछ फिजिक्स, कुछ बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। आपको अस्तित्व की भौतिक ताकतों का अपना कोई अनुभव ही नहीं है, आप सिर्फ किताबी चीजें जानते हैं जो एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं या फिर एक बुरी सी नौकरी पाने के लिए जरूरी है। पर आपका काम उसे सुधारना नहीं है, यह समझना होगा। उसे ठीक कैसे करें, किसने कहा वो गलत है? अगर आप सोचते हैं कि आपको उसे सुधारना चाहिए, तो आप मानते हैं कि ईश्वर ने गलती की है जिसे आप ठीक कर देंगे। ये अहंकार की हद है। दुर्भाग्य से धरती के कई सारे शिक्षक इससे पीड़ित हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर ने गलती की है जिसे वो ठीक कर देंगे। You're not fixing anything. You're trying to pervert them. आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें बिगाड़ रहे हैं। आप समझे, वो सामान्य है, आप उन्हें बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे समझ लीजिए, वे बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो खुश हैं, वो ठीक हैं, वे उछल कूद रहे हैं, खुश हैं। आप उन्हें बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 कैसे बने?
नंबर वन क्या होता है? नंबर वन होना यानी आपको दिमागी बीमारी है। नंबर वन होने का यही मतलब है, क्योंकि आप नंबर वन तभी होंगे जब दुनिया आपके कदमों में होगी, हाँ या ना? क्योंकि नंबर वन एक ही होता है। आप नंबर वन तभी होंगे जब सभी आपके नीचे होंगे। ये सफलता नहीं है, ये बीमारी है। आप अपने बच्चे को ऐसी बीमारी सिखा रहे हैं, नंबर वन बनो, सभी को आपके नीचे होना चाहिए। तो ये ना सोचें कि आपको बच्चे को सुधारना है। बच्चे में सुधारने जैसा कुछ नहीं है, बच्चा ठीक है, बस उसने अभी समाज में फिट होना नहीं सीखा है। वो बेलगाम है, जैसे जीवन को होना चाहिए, पर समस्या ये है कि उसे समाज में रहना है। एक बेलगाम इंसान को लोग उसे कहीं ताले में बंद कर देंगे। हम नहीं चाहते कि उसके साथ ऐसा हो, तो हम उसे अपने बनाए उस समाज में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम खुद भी खुश नहीं हैं। क्या आप इस समाज से 100% खुश हैं जिसमें आप रहते हैं? क्या आप हैं? नहीं। पर आप अपने बच्चे को इसमें फिट करना चाहते हैं ताकि वे पुर्जे बनकर फिट हो जाएं और समाज की सेवा करें। तो कम से कम आप इतना समझते हैं कि यहाँ परफेक्ट कुछ नहीं है। आपको उन्हें ठीक करना नहीं आता, आपको नहीं पता उन्हें कैसे ग्रहण करें, आप कुछ नहीं जानते। आप उन्हें बस जीने के गुर सिखा रहे हैं। तो प्लीज अपने बच्चों के पास जाकर ये स्वीकार करें कि मैं भी नहीं जानता कि कैसे जीना है। वाकई आओ मिलकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, ABC। अगर आप Z तक पहुंचे तो ठीक है, वरना ABC भी ठीक है। जितनी भी उनकी बुद्धि होगी, अगर आप उनकी बुद्धि को देखने, सोचने और करने में लगाएंगे तो कुछ हो पाएगा। शायद वो आपके जैसा न कर पाए, और ऐसा हुआ तो अच्छा ही होगा, दुनिया बदल जाएगी, है ना? है कि नहीं? अगर आज के बच्चे आपके जैसे नहीं बनेंगे तो इसका मतलब दुनिया बदल जाएगी, ये बढ़िया होगा। तो प्लीज एक मिशनरी टीचर ना बने। बच्चों में सुधारने जैसा कुछ नहीं है। टीचर्स को जरूर सुधार की जरूरत है, बिल्कुल। बच्चों को सिर्फ प्रेरणा चाहिए, न कि सुधार। बच्चों को बस प्रेरणा चाहिए, उन्हें सुधार की जरूरत नहीं है। टीचर्स को जरूर सुधार की जरूरत है। ध्यान रहे मैं ये सब कह रहा हूं हालांकि हम खुद स्कूल चला रहे हैं, जहां बच्चों की समस्याओं का एक पूरा सर्कस है। पर ठीक है, समस्या उनकी वजह से नहीं है, समस्या इसलिए है क्योंकि हम उन्हें किसी चीज में किसी तरह फिट कर देना चाहते हैं, ताकि हमें उनके लिए एक अलग दुनिया ना बनानी पड़े। हमारे पास ये जैसी भी दुनिया है, उन्हें उसी में फिट होना होगा। तो यही हमारी कोशिश है, वरना बच्चों में कुछ भी गलत नहीं है।